कानपुर उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विवेक द्विवेदी ने इस बार के चुनाव में स्वरूप परिवार का तिलिस्म तोड़ने की बात कही है। के न्यूज से बातचीत में डॉक्टर द्विवेदी ने वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का दावा किया। चुनाव और कानपुर खंड स्नातक चुनाव में इस समय सरगर्मी पे है चुनाव और काफी संख्या में आप देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ है। परिवर्तन की बात की जाए तो देश में जहां परिवर्तन चल रहा है वहां पर यहां पे कानपुर में परिवर्तन की बात की जा रही है और उसी विषय में बात करते हैं। हमारे साथ में विवेक द्विवेदी जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और काफी ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस पूरे चुनाव में, और योग्यता की बात की जाए तो डॉक्टर विवेक द्विवेदी इस समय बीएनबी कॉलेज के प्रधानाचार्य भी है। तो सर बताइए किस तरह से चुनाव लड़े, किस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये पैदल जनसंपर्क में कितनी अधिक संख्या में मेरे युवा और बुजुर्ग साथी हैं और मैं चुनाव अपने सामान्य जनमानस के मदद से ही लड़ रहा हूँ। तो ये जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है इसमें सबसे बड़ी आपकी चुनौतियाँ क्या रहेंगी? मेरी मुख्य रूप से चुनौती वित्तहीन शिक्षक मानदेय तदर्थ शिक्षकों का विनीतीकरण होगा, राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों की जो समस्याएं सरकार स्तर पर लंबित रहती है मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, और मेरे अधिवक्ता साथी जो अपनी हितों की मांगों को लेकर कई बार बार एसोसिएशन लॉ एसोसिएशन के माध्यम से लड़ते हैं मैं प्रत्याशी है। इनमें का एक का भी नाम कोई चुनाव के पहले तक नहीं जानता था, ये कभी सड़कों पर नहीं निकले ना किसी से संपर्क किया, मैं तो पिछले 25 साल से अपने लोगों के ही बीच में हूँ। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? स्वाभाविक रूप से वंशवाद का खात्मा और प्रबुद्ध जनों का सही प्रतिनिधित्व विधान परिषद और विधान परिषद के बाहर ही हमारा मुख्य मुद्दा है। तो ये थे विवेक द्विवेदी, आप देख रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अपनी बात की और इस समय चुनाव में सबसे बड़ा जो एमएलसी का चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा वंशवाद का है और शैक्षिक योग्यता के साथ में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का है। विकास बाजपेयी, के न्यूज कानपुर।